हाय एवरीवन, आज हम कुछ हेल्दी बनाएंगे यार। चलो तो हम आज बनाएंगे ओट टिक्की। तो इस ये कॉम्बिनेशन है हमारा इंडियन क्यूजीन और कॉन्टिनेंटल का। तो सबसे पहले हमको चाहिए इसके लिए ओट्स, पटैटो, अनियंस, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, वाइट सॉल्ट, थोड़े से पोहे और ऑयल। तो पहला स्टेप है एक कप ओट्स और गरम पानी, हाफ कप वार्म वाटर। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, पूरा मैश हो जाना चाहिए अच्छे से। इतना गर्म पानी होना चाहिए कि पूरा मैश हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट हमको पूरा करना है ताकि मैश हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ओट्स मुंह में पसंद नहीं है, बट ओट्स होते बहुत न्यूट्रिएंट है और पेट अच्छे से भर देते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और वेट भी नहीं बढ़ाते हैं। ओट्स हमने कर लिए पूरे अच्छे से मैश। अब हम करेंगे इसमें आलू थोड़ा सा ग्राइंड, क्यों टिक्की है, टिक्की आलू के बिना तो बन नहीं सकती, बट आलू हम थोड़े से कम ही डाल रहे हैं, सिर्फ बाइंडिंग के लिए डालेंगे, क्योंकि ओट्स टिक्की है, कुछ हेल्दी बनाना है तो आलू कम हो गए कंपेरेटिवली ओट्स से, ओट्स ज्यादा है। इसको हम अच्छे से बाइंड करेंगे अपने हाथों से, मेक श्योर ये स्टिकी होना चाहिए। अगर ओट्स स्टिकी नहीं होंगे तो बाद में आपको टिक्की बनाने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए स्टिकी रहना चाहिए, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इसको इसी बैटर को, सेम बैटर को अब बस हम 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीजर में डाल देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसके बाद हम डालेंगे इसमें अनियंस, हाफ चॉप्ड अनियन है, 2 हरी मिर्चें, काली मिर्ची स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, मैं थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ, जिन्होंने पुरानी मेरी वीडियोस देखी उनको पता है मैं क्यों ज़्यादा नमक डाल रहा हूँ, अगर नहीं पता पुरानी वीडियोस देखिए पता चल जाएगा। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पोहा, पोहा हम इससे दो चीज रीजन है पोहा डालने के, पोहा डालने से एक तो जो एक्सेस वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ऊपर से क्रिस्पीनेस अलग आएगी। हमेशा जब भी आपको कोई भी चीज़ बनानी, कोई भी टिक्की बनानी है, कोई भी बैटर बना रहे हैं, कुछ भी किसी चीज़ का बना रहे हैं जिसमें मैदा डाल रहे हैं, आप मैदे को रिप्लेस कर सकते हैं पोहे से हमेशा एज ए थिकनिंग एजेंट। कुछ भी अगर आपको थिक करना है, हल्का सा भी आपको, जैसे करीज में नहीं, नॉर्मल स्नैक्स में आप बना रहे हैं, आप पोहा डालते हैं, आलू आलू डालते हैं, मैंने आलू बहुत कम डाला है बट मेरा बहुत अच्छे से बाइंड हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं पोहा डाल दिया हुआ है इसमें। पोहे को आप सिंपल मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके डाल दीजिए, चावल को आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं, वो भी एक थिकनिंग एजेंट काम करता है, बाइंडिंग एजेंट काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। अब इसकी हम बनाएंगे टिकिया, ये अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हम गैस चालू करेंगे और उसमें डालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच तेल। हमको इसको डीप फ्राई नहीं करना है टिक्की, क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं, तो सिर्फ इस थोड़े से तेल से हम बनाएंगे। आपको हाथ में लेना है थोड़ा सा तेल टिक्की बनाने के लिए, हल्का सा हाथ में तेल लेंगे, ऐसे एक छोटा सा एक बोल बनाएंगे, आपकी टिक्की रेडी है। अब ये टिक्की प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे ज्यादा अगर आप इस तवे पे टिक्की बना रहे हैं पता नहीं चलता कि अंदर से कुक हुई नहीं हुई, तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको ना पोक करना है ना कुछ देखना है, आपको इसके साइड्स देखना है, जो साइड्स हैं अगर साइड्स गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, आपको नीचे दिखा गोल्डन ब्राउन,
साइड से आप देखो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। बट एक चीज ध्यान रखनी आपको, कभी भी कोई भी टिक्की बना दे तो एक बार ही पलटना अगर तवे पे बना दे। अगर आप उसको बार बार, जैसे एक बार आपने देख लिया लग रहा है आपको पक गई है, उसके बाद आपको लग, वो अपने जब पलटा देखा नहीं पकी है, अब दोबारा पलटेगी तो टिक्की टूट सकती है अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी टिक्की जो है एक बार ही आप पलटेंगे। ये जो टिक्कियां हैं इसका एक बेस्ट पार्ट है, आप इसको कभी भी बना, बहुत इजी है। देखो आपके सामने मैंने बनाया, बहुत इजीली 5 से 10 मिनट में आपकी टिक्की रेडी हो जाती है ये कुकिंग के लिए। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ओट्स सबको खाने होते हैं, आजकल सब जिम कर रहे हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं, लॉकडाउन का टाइम है, हेल्दी खाना तो खाते ही, क्योंकि भैया सबको पता है घर में आके वेट बढ़ रहा है। आप मेरी वीडियोज में ही देख सकते हैं मैं इतना कुकिंग, ये कभी केक कभी कुछ डाल रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। तो ओट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के, लोग नॉर्मल ओट्स खाकर बोर हो गए, तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ओट्स टिक्की बना सकते हैं। आप ये ओट्स टिक्की आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, आप नॉर्मली खा सकते हैं, आप इसको बन में लगा के खा सकते हैं, आप इसे एज अ बर्गर बना सकते हैं, एज अ ब्रेड में टोस्ट की तरह बना सकते हैं। जो मेरी लास्ट लास्ट वीडियो है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मैंने जो आलू सैंडविच बनाया उसके वो सैंडविच का जो आलू की स्टफिंग है उसको हटा के आप ये टिक्कियां डाल सकते हैं। अब कुछ ये टिक्कियां कहीं भी यूज कर सकते हैं, देखिए ठीक, एक बार ही पलटना है, बार बार नहीं पलटना है। गोल्डन ब्राउन हो गई, हमने पलट दी, इसमें ज्यादा प्रेस करना है तो अपने आप कुक होगी। ये भी पक गई है, इसको आप लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं, वो आपकी कॉल है, ऐसा सब कुछ नहीं होता। किसी लोगों को क्रिस्पी पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है, किसी को सॉफ्ट पसंद होती है, तो उसके हिसाब से है। टिक्किया रेडी है, मेरे घर में सब लोग क्रिस्पी की टिक्किया खाते हैं तो उसके लिए मैं क्रिस्पी करी है। अब इसको हम प्रेजेंट करेंगे। सो आवर प्रेजेंटेशन इज डन, नाउ मेक इट एट होम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो हाउ वाज द डिश। थैंक यू, बाय।